हाँ, तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता करना है कि कितने टर्म्स होते हैं। तो कितने टर्म्स हैं? वन टू, इसमें कितने टर्म्स हैं? टू। इसमें हाँ, वन टू थ्री, इसमें कितने हैं? थ्री, थ्री टू और टू, इसमें टू टर्म्स हैं, इसमें भी टू टर्म्स है। तो इसमें बोला है कि टर्म्स को आइडेंटिफाई करो, और कौन से टर्म को आइडेंटिफाई करो? जिसके साथ एक्स जुड़ा हुआ है, उस टर्म्स को लेना है जिसके साथ एक्स लगा हुआ है, और उसका कोफिशियंट भी लिखना है। तो अगर इसमें देखो तो देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट दिस वन एंड द सेकंड दिस वन, दो टर्म्स है ना। अब जो दूसरा टर्म है, क्या उसके साथ एक्स है? नहीं है, पहले वाले टर्म के साथ है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा टर्म चूज करेंगे? वाई स्क्वायर एक्स। ठीक, उसने यही बोला है कि ऐसा टर्म लो जिसके साथ एक्स हो, और जिसके साथ एक्स नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो द फर्स्ट टर्म इज वाई स्क्वायर एक्स, और अब इसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा? कोफिशियंट यहाँ पे अगर आप देखिए कि कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट, हाँ कोफिशियंट मतलब साथी होता है, तो एक्स के साथ कौन है? वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज योर आंसर। इज इट क्लियर? नाउ इन द सेकेंड सेकेंड पार्ट देर आर टू टर्म्स, और एक्स तो तुम्हारा सेकेंड टर्म के साथ है ना। सेकेंड टर्म क्या है आपका? सेकेंड टर्म है माइनस एट वाई एक्स। तो अगर हम बात करें कि कोफिशियंट किसका कोफिशियंट, कोफिशियंट हाँ कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस एट वाई, मतलब उसको छोड़ के बाकी सारा यहाँ पे माइनस एट वाई, दैट इज योर आंसर। ओके, नाउ इन द थर्ड टर्म, नाउ इन द थर्ड पार्ट देर इज अ टर्म जिसमें क्या है? एक्स है। इसमें इसमें कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? थ्री। बट इन द फर्स्ट टर्म हम लोग किसमें देखेंगे? फर्स्ट टर्म में देखेंगे, और फर्स्ट टर्म में ही क्या है? एक्स है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा हो जाएगा वो एक्स हो गया, और इसका कोफिशियंट क्या होगा? यहाँ पे देखो, कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या होगा बताना जरा? वन होगा। क्या होगा? वन, क्योंकि एक्स के साथ कोई भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वन हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे इसमें भी ऐसे ही करना है, ये वाला टर्म जो है जिसमें x है तो जेड एक्स लिख लोगे, और x का कोफिशियंट क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। अब फिफ्थ वाले में x किस में है? इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पे दो टर्म्स लेंगे, एक आप ले लेंगे x वाला, और दूसरा ले लोगे एक्स वाई हो जाएगा, और कोफिशियंट क्या हो जाएगा? अगर हम बात, हाँ अगर हम बात करें कोफिशियंट ऑफ x दोनों टर्म्स में, तो पहले वाले टर्म में तो वन हो जाएगा, और दूसरे वाले टर्म में वाई हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, x वाला टर्म ये रहा, और x के साथ कौन कौन है? 12 y स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना हम लोग कौन सा टर्म चूज कर रहे हैं? 12 x y स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोफिशियंट ऑफ x, x का कोफिशियंट पता करना है, तो x को छोड़ के बाकी सारे 12 y स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? कोफिशियंट। कोफिशियंट मतलब बताया है, कोफिशियंट मतलब हो गया आपका साथी, साथी बराती। और इसमें देखो दोनों के पास x है, तो दोनों टर्म्स लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे? 7x कॉमा करके x y का स्क्वायर, ये बोथ द टर्म्स, और इनका अगर हमें कोफिशियंट लिखना है, कोफिशियंट ऑफ x, तो पहले टर्म में x का कोफिशियंट क्या होगा? 7। दूसरे टर्म में x का कोफिशियंट y, y स्क्वायर, y स्क्वायर हो जाएगा ना, x को छोड़ के y स्क्वायर। समझ में आ गया? फोर्थ वाला, हाँ फोर्थ वाले में ये देखो कौन सा हो जाएगा? जेड एक्स हो जाएगा, और कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका? जेड हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में बस इतना करना था कि एक्स वाला टर्म चूज करना था, सारे टर्म एक्स वाले नहीं थे, और जो टर्म एक्स वाला है उसमें तुम्हें बताना था कि एक्स का साथी यानी कि कोफिशियंट कौन है। चलो नोट करो। चलिए तो अब यहाँ पे देखो, फोर्थ का बी पार्ट है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का मतलब समझिए, देन आफ्टर डू द आंसर। तो यहाँ पे आपको अब वाई स्क्वायर का टर्म्स ढूंढना है, ऐसा टर्म ढूंढो जिसमें वाई स्क्वायर हो, और फिर उसका कोफिशियंट लिख दो, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इन द फर्स्ट पार्ट देर आर टू टर्म्स, कितने टर्म्स हैं? हाँ देर आर टू टर्म्स, और वाई स्क्वायर वाला टर्म पीछे वाला है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा टर्म चूज कर लिए? माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, किसी क्योंकि इसी में क्या है? इसी में है वाई स्क्वायर। क्लियर? अब इसका क्या लिखना है सर? अब इसका लिखना है कोफिशियंट, किसका कोफिशियंट लिखना है? हाँ कोफिशियंट मतलब साथी, कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर। कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, माइनस भी तो है, माइनस एक्स। ओके,
इज देयर एनी प्रॉब्लम? नाउ मूव टू द सेकंड वन. इन द फर्स्ट टर्म इट कंटेन्स वाई स्क्वायर, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव वाई स्क्वायर. दूसरा टर्म लेंगे, दूसरा नहीं लेंगे ना, फाइव वाई स्क्वायर. अब नाउ वी हैव टू राइट द कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा. इज इट क्लियर? इज इट इजी? आसान है बहुत. चलो नाउ इन द थर्ड पार्ट देयर आर थ्री टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स? देयर आर थ्री टर्म्स, बट द टर्म विच कंटेन वाई स्क्वायर इज द सेकंड टर्म एंड द थर्ड टर्म. सेकंड और थर्ड ये दोनों कैसे टर्म्स हैं, इनमें वाई स्क्वायर है. तो दोनों टर्म्स को लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया माइनस फिफ्टीन एक्स वाई का स्क्वायर, कॉमा लगा के सेवन वाई का स्क्वायर, बोथ द टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर. नाउ वी हैव टू राइट द कोफिशियंट. तो यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं कि कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या क्या हो जाएगा, एक में तो हो जाएगा माइनस फिफ्टीन एक्स, पहले वाले में क्या हो जाएगा, माइनस फिफ्टीन एक्स. इन द सेकेंड टर्म हाँ सेवन इज द कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर. इज इट क्लियर? नोट इट डाउन. इतना ही था. चलिए देखिए, तो इन द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज बाइनोमियल, व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज बाइनोमियल एंड व्हाट इज ट्राइनोमियल. तो मोनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल. ठीक. और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. एंड एन एक्सप्रेशन विच कंटेन थ्री टर्म्स, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. जिसमें एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, थ्री टर्म ट्राइनोमियल. ट्राइनो से थ्री, बाइनो से टू, मोनो से वन. तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, हाँ दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. ठीक. इसमें कितने टर्म्स हैं, वन, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल हो जाएगा. क्लियर. ये इसमें कितने टर्म है, वन टू थ्री, हाँ तो ट्राइनो, ट्राइनो दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. ओके, ट्राइनोमियल हो गया. इसमें कितने हैं, मोनोमियल हो गया. ये ट्राइनोमियल हो गया. वेरी गुड. ये बाइनोमियल हो गया. ठीक. कितने टर्म्स है, वन टू, टू टर्म्स है ना, टर्म्स काउंट करना तो आता ही है. इसमें बाइनोमियल, ये मोनोमियल हो जाएगा. वेरी गुड. ये ट्राइनोमियल. थ्री टर्म्स है, ये बाइनोमियल्स, ये बाइनोमियल्स एंड दिस इज ट्राइनोमियल. इजी था? चलो स्टेट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स. तो इस क्वेश्चन में आपको लाइक टर्म्स ढूंढने हैं और अनलाइक टर्म्स ढूंढने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज लाइक टर्म एंड व्हाट इज अनलाइक टर्म. तो लाइक टर्म वो होता है जिसके वेरिएबल सेम होते हैं, कोफिशियंट सेम, मतलब जो नंबर्स होते हैं वो सेम हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वेरिएबल सेम होना चाहिए. अगर इफ द वेरिएबल ऑफ सो मेनी टर्म्स आर सेम, देन दोज टर्म्स आर लाइक टर्म्स. अगर किसी भी टर्म में, मतलब ढेर सारे टर्म लिखे हुए हैं और उनका वेरिएबल अगर सेम है, तो इसका मतलब वो लाइक टर्म है. अगर उनका वेरिएबल सेम नहीं है तो वो अनलाइक टर्म है. लाइक सेम है तो लाइक, नहीं सेम है तो अनलाइक. जैसे कोई चीज अच्छी लगती है तो लाइक करते हो, नहीं अच्छी लगती है तो अनलाइक करते हो. सही बात है. तो अगर सेम होगा तो लाइक टर्म, नहीं सेम होगा तो अनलाइक टर्म. अब अगर तुम देखो कि यहाँ पे दो टर्म्स लिखे हैं, ये और ये, दो लिखा हुआ है ना, तो ये दोनों टर्म, इन दोनों को हम कॉन्स्टेंट बोलेंगे, तो ये कैसे टर्म हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे. कैसे हो जाएंगे, लाइक. नंबर से मतलब नहीं है कि वन है ये हंड्रेड, लेकिन दोनों को कांस्टेंट बोलेंगे. कांस्टेंट जानते हो ना, हमने बताया था कि जब वो अपने दोस्त के साथ नहीं है, जैसे ये देखो वाई के साथ सेवन है तो उसको कोफिशियंट कहेंगे, लेकिन अगर वो अकेला है तब उसको हम कांस्टेंट कहेंगे, कहेंगे ना. तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो लाइक टर्म्स हो गए. ओके. अब इसमें देखो, ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है. पहले टर्म में भी वेरिएबल एक्स है और दूसरे टर्म भी वेरिएबल एक्स है, तो ये भी कैसे टर्म हो गए, लाइक हो गए. भले ही यहाँ पे माइनस सेवन फाइव अपॉन टू लिखा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो लेटर है वो सेम होना चाहिए. तो x और x, तो ये भी कैसे टर्म हो गए, लाइक टर्म हो गए. अब इसमें देखो x है और इसमें देखो y है, क्या इसमें कहीं y है, नो. क्या इसमें कहीं x है, नो. तो ये कैसे टर्म हो गए, अनलाइक हो गए. इजी है. देखो इसमें एक्स वाई है और इसमें वाई एक्स है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है कि आगे पीछे हो, लेकिन होना चाहिए बस, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ पे भी वाई है, कोई और
अदर लेटर्स नहीं लिखे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको भी बोलेंगे लाइक टर्म्स। यहाँ पे देखो एम स्क्वायर, एम का स्क्वायर है, यहाँ पे एम का स्क्वायर नहीं है तो ये अनलाइक हो गए। कैसे हो गए? अनलाइक हो गए। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स जेड है, लेकिन यहाँ पे एक्स जेड है लेकिन उसका स्क्वायर है, तो ये भी कैसे हो गए? अनलाइक हो गए। क्लियर इतनी बात? तो चलिए नोट करिए, इजी है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि सेवेंथ में है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। तो अभी हमने बताया था कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। इफ द वेरिएबल आर सेम देन ऑल द टर्म्स आर लाइक टर्म, और वेरिएबल इफ द वेरिएबल आर नॉट सेम देन द टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स। ठीक, तो अब यहाँ पे तुम्हें लाइक टर्म्स ढूंढना है, सबका लाइक टर्म यहाँ पे दिया होगा और सबके लाइक टर्म को ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने टर्म्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? टोटल 13 टर्म्स है और सबका जोड़ीदार हमें ढूंढ के लिखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्स वाई का स्क्वायर। अब देखो एक्स वाई का स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा, है ना, एक्स वाई का स्क्वायर मिल गया जोड़ीदार, मिल गए। यहाँ पे भी एक्स वाई का स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स वाई का स्क्वायर, नंबर से माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, लेटर सेम होना चाहिए। चलो तो यहाँ पे हो गया माइनस एक्स वाई का स्क्वायर कॉमा लगा के 2xy का स्क्वायर। तुरंत ये भी ढूंढ लो कि क्या कोई और भी है जो xy का स्क्वायर है। अगर तुम्हें लग रहा हो कि ये है तो ये नहीं है, ये x स्क्वायर है फिर y है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। क्लियर, xy का स्क्वायर देखो और कहीं पे है नहीं। तो चलो एक का तो काम हो गया, इनका काम फिनिश। अब हम लोग ढूंढ लेते हैं ये, यहाँ पे है वाई एक्स स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर वाई तुम्हें मिल जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, नीचे ही दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये देखो x का स्क्वायर y और यहाँ पे भी x का स्क्वायर y, एक मिल गया। और कोई और ये देखो, नहीं ये तो उसके साथ था ना, हाँ उसके साथ था। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देखो डॉट करके दूसरा हम पेयर लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये पहला पेयर हो गया, और दूसरा पेयर के लिए हम लोग लिखेंगे पहले माइनस फोर वाई एक्स का स्क्वायर कॉमा लगा के 20x² y, बोथ टर्म्स आर लाइक टर्म्स। चलो ये भी हो गए। अब यहाँ पे हम लोग डॉट रख के और कर देते हैं। अब उसके बाद अब एक्स स्क्वायर वाला लाइक टर्म ढूंढो जहां सिर्फ एक्स स्क्वायर हो, ये रहा एक्स स्क्वायर और 6x का स्क्वायर, बस और तो नहीं है। तो इसके लिए हमें तीन टर्म्स मिले, पहला मिला 8x², दूसरा कॉमा लगा के -11x², नंबर से माइनस से कोई मतलब नहीं, लेटर सेम होना चाहिए, हो गया ना, तो ये भी फिनिश हो गया। अब उसके बाद y वाला टर्म ढूंढ लेते हैं। तो एक y यहाँ पे है और एक y यहाँ पे भी है, और कोई भी y है देख लो, और कोई y है नहीं है, तो कॉमा लगा के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन सा हो जाएगा कॉमा, क्या यहाँ पे, हाँ अब हम लोग लिखेंगे कौन कौन सा था, 7y कॉमा करके y हो जाएगा। क्लियर, ये भी काम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद कौन सा है, 100x, हाँ 100x, x वाला टर्म है, तो x वाला टर्म यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस 100x और कॉमा लगा के क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, कस के मार पड़ेगी, दिमाग सही हो जाएगा, समझ में आया, 100x हो गया और 3x हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से कॉमा लगा के, और देखो yx वाला अभी हमने ढूंढा कि नहीं, yx वाला भी बचा हुआ है, बचा है ना, बचा है कि नहीं, टोटल कितने टर्म थे, 13, देखो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अभी 2 बाकी है, तो वही वाला बाकी है, yx का कहाँ है, ये रहा, दोनों हाँ xy yx है, तो माइनस 11 yx हो जाएगा, कॉमा लगा के 2xy हो जाएगा। ये सारे लाइक टर्म्स मिल गए, देखो पहला लाइक टर्म, ये रहा दूसरा, ये रहा थर्ड, थर्ड लाइक टर्म, फोर्थ हो गया, और उसके बाद फिफ्थ हो गया, एंड द लास्ट वन इज सिक्स्थ हो गया। तो ऑल द टर्म्स आर लाइक टर्म्स। ठीक, मिल गया। चलो दूसरे वाले हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो देयर आर 15 टर्म्स, और इनमें से हमें क्या ढूंढना है, लाइक टर्म्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम लोग PQ वाला देख लेते हैं। तो एक PQ यहाँ लिखा हुआ है, एक PQ यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक PQ यहाँ पे लिखा है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं कि कहीं PQ लिखा है तो कहीं QP लिखा है, लेटर कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया आपका 10 PQ कॉमा लगा के दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो गया,
माइनस सेवन क्यू पी और फिर थर्ड कौन सा हो जाएगा 78 क्यू पी. ऑल द टर्म्स आर लाइक टर्म्स, ठीक, क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है. अब कॉमा लगा के, मेन कॉमा लग गया यहाँ पे, अब ये हम उसको इरेज कर देते हैं फॉर योर कंफ्यूजन. तो अब उसके बाद हम लोग पी वाला टर्म ढूंढेंगे. तो एक पी यहाँ पे भी है और 8p कहाँ है, ये क्यू है भैया, ये क्यू है, पी अला और कहाँ पे है, देखो ये रहा, ये इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, ये भी पी है. और कोई, और कोई है नहीं है, तो चलो तो 7p हो गया और कॉमा लगा के क्या हो जाएगा 2405p. ये भी फिनिश हो गया. हम लोगों ने अभी तक कितने लाइक टर्म्स लिख लिए, 3 उधर हो गया और 2 उधर हो गया, 5 हो गया ना. अब हम लोग क्यू वाला ढूंढ लेते हैं. तो एक क्यू यहाँ पे भी है और क्यू वाला टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है. और कोई है नहीं है, तो चलो ये दोनों हो गया. तो आपका हो गया 8q और उसके बाद कॉमा लगा के क्या हो जाएगा माइनस 100q. बोथ द टर्म्स आर लाइक टर्म्स. नाउ अब हम लोग जो है नेक्स्ट जर्नी पर स्टार्ट हो जाते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं. इसको कर दिया इरेज. अब ढूंढो तुम पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर. तो एक पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, दूसरा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना, बोलो यहाँ पे भी है. और कोई है, बस दो ही है. तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमा लगा के हो जाएगा 12q² p² दैट इज द आंसर. नाउ अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के नीचे लिख देते हैं दूसरा. ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम लोग ढूंढेंगे क्यूपी. क्यूपी वाला तो हमने पहले ही ढूंढ लिया था, ठीक, ये तो कंप्लीट हो गया. क्यू वाला टर्म अभी नहीं ढूंढा गया है, चलो क्यू वाला ढूंढते हैं. तो ढूंढा गया है ठीक है, चलो ये भी ढूंढ दिया गया है. आप सिर्फ आप सुनो, हाँ नंबर ये 23 है और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो 41 है. और कोई है, हाँ, तो हो गया माइनस 23 और कॉमा लगा के 41 हो गया. तो अब ये भी टर्म कंप्लीट हो गया. अब उसके बाद क्या ढूंढना है, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर तो ढूंढ ही लिया गया है. पी स्क्वायर ढूंढा गया है क्या, नहीं ढूंढा गया. तो पी स्क्वायर यहाँ पे भी है और पी स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक, बहुत अच्छा, वेरी स्मार्ट. माइनस 5p² फिर कॉमा लगा के 701p का स्क्वायर, दैट द एंड. और कुछ, यस सर, कौन, पी स्क्वायर क्यू, हाँ पी स्क्वायर क्यू ये हो गया. और हाँ ये रहा, देखो पी स्क्वायर क्यू, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है. 13p² कॉमा लगा के क्यू पी का स्क्वायर, ठीक. अब गिन लेते हैं कि हमारा पूरा टर्म कंप्लीट हुआ कि नहीं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया कंप्लीट. योर आंसर इज करेक्ट. ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं था. तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड मे बी कम इन योर एग्जाम, ओके, अपकमिंग पेपर और टेस्ट. चलो.